सेवक साधका
गुरमती लागे, गुरमती लागे। चोर कुंड ढूंढिया चारे कुंड ढूंढिया कोनी मी मेंडा कोनी मी मेंडा जे तू दुभावे जे तू दुभावे साहिबा तू मैं हो तेडा तू मैं हो तेडा गर्व नीम का ते करी सलाम दर विभा मैं नीम का ते करी सलाम सच्चा मुख ना सच्चा मुख ना एक गिरही सेवक साधका एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे गुरमती लागे गुरमती लागे सिद्धा सेवन सिद्ध पीर सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद्ध सिद्ध मांगे रिद्ध सिद्ध मैं एक नाम ना विसरे मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध साचे गुर बुद्ध जोगी भोगी कपड़ी जोगी भोगी कपड़ी
क्यों भवेद संतर शब्द नाची नहीं गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर तत्सार निरंतर एक तपसी मन में तप करे एक तपसी मन में तप करे नित तीर्थ वासा नित तीर्थ वासा तपसी बन में तप करे एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा अंतर बहुत है तामसी काहे भय उदासा एक बिंद जतन कर राख दे एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावे से जती कहावे बिन गुर शब्द ना छूट नहीं बिन गुर शब्द ना छूट नहीं परम आवे जावे भरम आवे जावे भरम आवे जावे एक गिर ही सेवक साधका एक गिर ही सेवक साधका गुरमती लागे गुरमती लागे नाम दान इशनान दृण नाम दान इशनान दृण
भगत सो जागे एक गिरही सेवक साध का एक गिरही सेवक साध का गुरमति लागे गुरमति लागे एक गिरही सेवक साध का काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैर पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पैर जिन्नी वेसी सो मिले जिन्नी वेसी सो मिले से वेश करे काय पटोला पाड़ती काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पैर जोग ना भगवी कंपनी जोग ना भगवी कंपनी जोग ना मैले वेश नानक घर बैठे आ जोग पाईए गुरमति लागे एक गिरही सेवक साध का गुरमति लागे नानक घर बैठिया जोग पाईए ग्रह ताज बन खंड जाई है चुन खाई है कंदा अजो बेकार ना छोड़े इस भेखे था वो ग्रह भला ग्रह ताज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो बेकार ना छोड़े पापी मन मंदा इस भेखे था वो ग्रह भला एक कंद मूल चुन खाए बन खंड वासा एक कंद मूल चुन खाए बन खंड वासा एक भगवा वेश कर फिरे इस भेखे था वो ग्रह भला एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत इस भेखे था वो ग्रह भला
अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा इस पेखे था वो ग्रह भला अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा वृथा जन्म गवाए जन्म गवायन ना गिर ही ना उदासा इस पेखे था वो ग्रह भला जित्था को वर्षाए इस पेखे था वो ग्रह भला पूछे जोगी पंगर नाथ पूछे जोगी पंगर नाथ तोए दुद्ध बेच क्यों कांजी पाए फिटिया चाटा दुद्ध दा फिटिया चाटा दुद्ध दा रिड़किया मक्खन हाथ ना आए पेख उतार उदास दा जोगी सवाल कर दे पेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाए ऐसा पैगोरदास जी ने इस तो पहला एक गल आखी कहन लगे बाबा आया करतारपुर बाबा आया करतारपुर देख उदासी सगल उतारा देख उदासी सगल उतारा पहर संसारी कपड़े पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा पूछे जोगी भंगर नाथ पेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई बाबा आखे पंगर नाथ तेरी माओ कुचजी आई पाना धोए ना जाती उस जे किसी ज्ञानवान मां दी कुखों जन्म लेंदो ता आ भाए कुचजे फुल सड़ाही वाली गल ना हुंदी कहन लगे हे नाथ होए अतीत मैं फैसला कीते होए अतीत ग्रस्त ताज फिर उन्हीं के घर मंगन जाई बाबा आखे इस भेखे था वो ग्रह भला केडी अजीब घटना है आओ आपा आनंद कारज जो हर सिख दे जीवन दा एक सांझा मोड़ है
फंक्शन है। मैं एक बार अर्ज़ की थी मेरा रब भी गृहस्थी, गृहस्थन में तू बड़ो गृहस्थी, मेरा रब भी गृहस्थी, मेरा गुरु भी गृहस्थी, सिख भी गृहस्थी। मैं इसकी किसी केड़ी अजीब घटना है, रब नूं वड्डा गृहस्थी आख्या गया, क्योंकि गृहस्थ दी दुनिया विच असी एहो चीजां नूं देखने ते मनने आ जिंदा अपना कोई घर बार होवे, मकान दी रहायश दी लोड़ है गृहस्थी, सन्यासी नूं जोगी नूं की लोड़, उन्हें तो दरख्तों की साया थले पहाड़ों की गुफा विच जीवन बिताने, घर की लोड़ तो गृहस्थी नूं। साडे निगाह विच गृहस्थी नूं घर चाहिए है, गृहस्थी परिवार वाला है, उनकी संतान है, गृहस्थी की निशानी दूजी है, जिंदा परिवार ना होवे उन्हूं असीं आखने आ इन्हें घर बार परिवार छड्ड दित्ते, ये साधु है, त्यागी है, सन्यासी। क्योंकि इसलिए क्योंकि वह समझदा है गृहस्थ विच चिंतावां ने, जे संतान है, जे घर है, तो उनकी संभाल की लोड़ है, जे संतान है तो उनके पालन प्रतिपालन लिए संभाल की लोड़ है। तो जिथे कोई जिम्मेवारियां आ जाए उत्थे ही चिंता होंगी। मैं कर्ज करा जिथे जिम्मेवारी कोई नहीं उत्थे चिंता किस चीज की, चिंता नूं जन्म दिंदियां ने जिम्मेवारियां, ज्यों ज्यों मनुख दियां जिम्मेवारियां वधदियां चलियां जांदियां क्यों तो चिंता बढ़ जाती। हुण ये तीनों चीजां गृहस्थी की निशानी ने, जिन्हें इन्हां तीनों चीजों तो बचना सी ना, मैनू किसी की सेवा संभाल प्रतिपालना की किसी की जिम्मेवारी मेरे ते सिर ते ना पवे, ताकि मैनू कोई चिंता ना होवे, उन्हें गृहस्थ छड्ड दिता, क्योंकि तीनों निशानियां गृहस्थी दी सन। पर गुरु कहन लगे हे मेरे रब, मैं जदों देखना तेरे वल तू वड्डा गृहस्थी, क्योंकि वड्डा गृहस्थी ते वड्डा परिवार होने करके तू वड्डा घर बनाया, जिंदा परिवार ज्यों ज्यों वधदा जावे त्यों त्यों ही उनका घर वड्डा बनाउणा ही पैंदा, उन्हूं उड़ो वड्डा घर चाहिए। ते मैं जदों तेरे वल देखना, एह जग एह जग सच्चे की है कोठड़ी है, एडा वड्डा घर, सारा ब्रह्मांड ही तेरा घर है, कि तेनू पता है मेरा परिवार बहुत वड्डा है। एह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, फिर इन्ना वड्डा घर ही नहीं, तेरा परिवार भी वड्डा है। सबको मौत पिता, सबको मौत पिता प्रतुपालक, तू सांझा साहेब बाप हमारा, तू सांझा साहेब बाप हमारा, नौनिद तेरे अखुट भंडारा, तेरे कुल दौलत भी है, तेरे भंडार भी ने, तेरे खजाने भी ने,
ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣ ਦੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੇ, ਤਿਨਾ ਬਿਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਗ੍ਰਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੋੜ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਦੂਜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਸਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕ ਸਕਿਆ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਛੱਕ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ, ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੀ।
सोझी है कि जे दोवां जीआं दा सुभा मिलदा होवेगा तां ही मन मिलणगे। जे दोवां दीआं आदतां जीवन दा म्यार ही वख होवे, एक दूजे कोलों अनेकां गल्लां दी संकोच हो जाएगी। ते जिस घर विच दो जीआं दी अभेदता मन तन करके ना होवे, ओह कदी घर सुखी नहीं वसदे। उन्हां विच त्रेड़ बनी रहिंदी है, उन्हां विच दुबदा बनी रहिंदी है, तां कि गुरसिख दा विवाह आनंद कारज बन जाए। इसलिए दोहां दा मन तन करके सुमेल जरूरी है। मैं चाहना इन्हां दिनां अंदर आपां इस विषय ते ही कुछ विचार करिए। तो मुढ़ले रूप में आनंद कारज की मेन रस्म तो पहला आपां उन्दा चुगिरदा बेस समझ लईए। मनुख ने दृष्टि क्यों होना, सिख नूं दृष्टि होने लई क्यों हुक्म किया गया, दृष्ट तो लोग क्यों डरते सन, सिख ने क्यों अपनाया, गुरु ने बख्शिश करके क्यों झोली पाया, इस विवाह कार्य का आनंद कार्य क्यों प्रगट किया। मैं अर्ज कर रहा सर सुमेल, आत्मक सुमेल। बाबा कबीर जी ने यह गल एग्जाम्पल वजो रब वालों वरती। मैं एक होर अर्ज करा, गुरबाणी जी है इनके प्रति एक गल समझनी है। प्रथाए साखी मां पुरपूर ने सांझी सगल जान ने, प्रथाए है रब प्रथाए है, आत्मा ते परमात्मा दा सुमेल है। लेकिन एक ख्याल करो, सरगुण ते निर्गुण विच की भेद है। सरगुण प्रभु दा वह स्वरूप है जिहड़ा दिसदा है, निर्गुण वह स्वरूप है जिहड़ा दिसदा नहीं, वह निराकार है। उनका रूप ना रेख ना रंग कुछ, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न है। ते दूजे पासे सब में जोत जोत है सोए है, सारे विच वस रहे है। मैं जिधर देखना सहस मूर्त नना एक तो ही, सारे तेरे स्वरूप ने। हुण उस सरगुण स्वरूप नूं निर्गुण नाल जोड़न लई इह भेद करन लई जरूरी है कि एक एग्जाम्पल अभेदता दी लई जाए। बस सारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस कंसैप्ट विच, जे असीं आखांगे इस काम लई उचारण कीता ते उन्दी प्रेरणा नहीं दूजे पासे लवांगे, फिर साडे नाल संबंध टुट जाएगा। बाणी बाणी दा संबंध साडे नाल टुट जाएगा, ते बाणी सर्वकालिक भी नहीं रहेगी। फिर जिहड़े जिहड़े बिरतांत होए ने उसे नाल संबंधित रह जाएंगे। पर बाणी क्योंकि चौं जुगां विच सच है, जद तक संसार सृष्टि है बाणी की एग्जाम्पल बाणी की अगवाई जीवन लई हमेशा बनी रहनी है, ते तां ही बनी रहनी है जेनू असी एग्जाम्पल वजो लवांगे। रब दे प्रभु आत्मक परमात्मक प्यार दी भावनावां विच्चों जीवन नू उस म्यार तक अभेदता तक ले जाण लई पति इस्त्री दे रूप नू भी एक एग्जाम्पल वजो पेश कीता। भगत ते प्रभु दे रूप नूं भी उसे एग्जाम्पल वजो पेश कीता। बाणी दी तुक एक बार आई सी, ते सतगुरु ने आखिया सी, कहन लगे जिस घर विच शुभ गुणा वाली, जिस पति नूं शुभ गुणा वाली पतवता इस्त्री प्राप्त हुंदी है, उनका सुभा की हुंदा है। एक वक्रा विषय आपां इन्हां दो समय अंदर विचारांगे। इत्थे हुण बाबा कबीर आख रहे ने, कहिंदे ने मैं हैरान इस गल ते हुणा कि जिहड़ा जोगी जंगलां विच इस ख्याल नाल घर बार छड के पहाड़ां दीआं गुफावां विच इस ख्याल नाल गया है कि मैं प्रभु प्राप्ति करनी है, जोगी बने। बाबा कबीर कहिंदे ने मैं जदों तेरे वल देखना डंडा मुंदा आसन दूर कर पवरे, डंडा मुंदा खिंथा भेख धारी। अगे जाके आखते ने
आसन पावर दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हार भज बवरे जिस तू जाचे जिस तू जाचे सो तेरे पवन भोगी कहे कबीर कैसो जग जोगी कहने लगे जिन्हू मिलना चाहना है वो ते भोगी है वो ते पत्ते पत्ते विच राव के हर एक जीव विच वस के भोग पिया भोगदा है वो तो गृहस्थी है उनका इन्ना वड्डा घर है उनकी इन्नी वड्डी संतान परिवार है उनके कोल सारियां दा फिक्र भी है सब नू कपड़ा भी दे रहा है रोजी भी दे रहा है जिन जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को खानी पानी अन्न खाना कपड़ पहनन दिया इन्ना कुछ सारियां नू पिया देंदा पिता वांगू इन्ना वड्डा गृहस्थी है ते तू उन्हूं मिलना चाहना तेरा हुंदा सुभा नहीं मिलता तू ते सब कुछ त्यागी फिरना है वो त्यागी नहीं तू सब कुछ त्यागी बैठा तेरा हुंदा सुभा ही नहीं मिलता तेरिया हुंदियां आदतां ही नहीं मिलदियां इसलिए पलिया पहली गल एक समझ लै उस वड्डे गृहस्थ नूं मिलन वाले नूं कदी भी ऐसा त्यागी नहीं बनना चाहिए ने आखिया मैं ग्रस्त नू पहल देना भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी एक था मैं बड़ी खूबसूरत गल आखी कहन लगे जैसे मच्छ कच्छ हंस मुक्ता पखान अमृत बिरख प्रकाश उद्दत सैमानी है भावें मछियां ने भावें कछू ने भावें हंस ने भावें मुक्ता मोती आदि हीरे ने ते भावें पत्थर ने भावें अमृत है ते भावें बेख है ये सारिया चीजा सागर विचों ही पैदा हुई ने जे भला कोई मनुख आखे इस सागर विचों बेख पैदा हुई है इसलिए सागर ही नहीं होना चाहिए सागर तो नफरत करने लग पे इन जहर पैदा हुई है वह भलिया अमृत भी तो इसे चो पैदा पुरातन कहानी मुताबिक मिथास मुताबिक वह भी तो इसे पैदा मैं अर्ज की बाणी विच एग्जाम्पल वह भी तो इस पैदा होया जिन दे विच मछियां कछू कुम्मे ने तो हंस का भी तो इसे नाल संबंध है मोती भी तो उनके लिए इसे विच ने जिन दे विच पखाण ने पत्थर ने तो हीरे भी तो इसे विच ने इसलिए इको समुंदर है इको सागर है इन्दे विचों सारा कुछ मिलता है जिन्ने कुछ हैं सारे कुछ इसे दे मोहताज ने इसलिए उस सागर तो नफरत ना कर जिन्दे विच ये सारियां चीजा ने ऐसा अगे जाके फिर होर एग्जाम्पल दें कहते ने भाजन विपद जैसे एक मृतक से मृतक तो भाव इतने है मिट्टी क्योंकि शरीर जदों मरदा मिट्टी हो जाता है जन्म भी मिट्टी तो लैंदा मुड़ मिट्टी से प्रवेश कर जाता धरती मिट्टी है कहते कुम्हार ने बहुत सारे बर्तन बनाने सन वक् वक् बनाए इस इको मिट्टी तो जिवें गुरु ने बाणी विच आखिया कहन लगे माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे कहूं मैं मोती मुक्ता हल कहूं ब्याद लगाई पर उसे मिट्टी तो पैदा हो रहे कहन लगे इत्थे बस नहीं एक ख्याल करी और जिन्ने तू बिंजन भोजन छक रहे हो भी सारे इस मिट्टी तो धरती तो पैदा होते है इको धरती जिन्ने जीवन के खाण के भोजन ने वह भी इसे तो पहनन के चीज़ा भी इसे चो पैदा होंदिया ने एक मिट्टी है जो इन चीज़ों के वक् वक् रूप दे रही है जे एक मिट्टी खत्म हो जाए एक धरती खत्म हो जाए कुछ भी ना हो शायद ने हर चीज़
तीसरी थावे फिर जाके स्पष्ट कर देने कहंदे ने इसे तरह एक ख्याल करें तैसे दर्शन बहु वर्ण आश्रम धर्म तैसे दर्शन बहु वर्ण आश्रम धर्म सकल ग्रस्त सी शाखा कर्मण ये सारे ग्रस्त की शाखा ने तो शाखा किसी मूल विचों पैदा होती है इनका मतलब जिन्ने धर्म ने जिन्ने आश्रम ने जिन्ने वर्ण ने जिन्ने दर्शन ने सारे वो ग्रस्त की शाखा ने इन्हों सारिया का मूल यो जे कोई त्यागी बियाबान जंगलों में बैठा है वह भी किसी ग्रस्ती के घर जन्म लैके गया है जे भला ग्रस्ती ना हो गई कोई साधु पैदा हो गए जे भला ग्रस्ती ना हो गई कोई सन्यासी पैदा हो गए जे ग्रस्ती ना हो गई कोई योगी पैदा हो जे ग्रस्ती ना हो कोई भगत पैदा हो कोई राजा पैदा हो के लगे इन सारिया धर्मों का मूल रूप धर्म जेड़ा है वो तो ग्रस्त है बाकी जिन्ने धर्म ने वो सारे इंदिया शाखा ने इंदे विच्चों जन्म लैन वाले ने कहन लगे जे भला शाखा टाणी अपने नाल लगे हुए फुलां ते फलां नूं देख के इन्नी अभिमानी हो जाए ते आखे मूल की चीज है मेरे मुकाबले मूल की चीज है अज साधु आखदा ग्रस्ती कौन ने कदी आखदा सी ग्रस्ती हुण भी आख रहा अपने आप नूं महान समझदा है महानता वाला जिहड़ा भरम सी ना वह ग्रस्तियां दे अंदर भी पैदा कर दिता है ग्रस्तियां नूं अपने आप ते वह महान भरोसा विश्वास ही नहीं कि ग्रस्ती जदों गुरमत दे घेरे विच आ जांदा है केड़ा महान हो जांदा है सिर्फ जरूरत यह है कि ग्रस्त का मूल जिहड़ा है वह रोगी ना होवे तंदुरुस्त होवे जदों मूल रोगी हो जाते हैं जदों जड़ रोगी हो जाती है उनके विचों हर निकली हुई शाखा रोगी हो जाती हर पत्ते रोगी हो जाते हर फुल रोगी हो जाते हर फल रोगी हो जाते गुरु कहते जिन्ने संसार के धर्म ने जिन्ने संसार दियां होर शाखा ने सारियां इस मूल रूपी ग्रस्त विचों जन्म लैके आईया ने इसे लिए भाई साहब ने दूसरी पौड़ी विच भी आखिया कहन लगे ज्ञानन मैं ज्ञान ध्यानन मैं ध्यान गुर सगल धर्म में ग्रस्त प्रधान है इसे लिए हुक्म कर दिता सिख ग्रस्ती होवेगा मेरा रब भी ग्रस्ती है मेरा गुरु भी ग्रस्ती है सिख भी ग्रस्ती हो गई हुण विवाह कार्ज की है विवाह कार्ज की है ग्रस्त आश्रम विच प्रवेश करन दा एक दरवाजा हुण मुश्किलें बन गई जिन्हां लोगों ने अंदर प्रवेश किया कुछ ते अंदरों जन्म लैके वह पछाण ना सके संभाल ना सके बल्कि गुरु ने बाणी अंदर इसलिए आख दिता अनेक पक्षों तो बड़ा स्पष्ट किया कह लगे जेड़े मैं योगी बनते वेखे ने वो इसलिए नहीं कि वह ग्रस्त तो दुखी सन इसलिए नहीं कि योगी बन के उन्होंने सुख मिल गया बल्कि वह बुजदिल कमजोर ते मखटू सन मखटू का मतलब होंगे जेड़े कमाई ना कर सकते हो वेलियां खाने वाले हो गुरु ने बाणी विच आखिया कहन लगे मखटू होए के कान पड़ाए मखटू होए के कान पड़ाए घर घर मांगे भीखिया जाए मखटू होए के कान पड़ाए घर घर मांगे भीखिया जाए गुर पीर सदाए मंगन जाए तो मखटू है
छात्रों दे वाली शक्ति ओदे कोल कोई नहीं। किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला बनाए दी ओदे कोल जुरत कोई नहीं। उन्हें इस कहाल खाए दी उस किरत करन दी गुरु नानक दी सतगुरु दी दित्ती होई गुरमत दे घेरे तो बाहर निकल के वेलियां खाण लई कीता की के कन्ना विच मुंदरा पा लईयां घर घर दरवाजे दरवाजे मंगन चढ़ पिया। ते फिर सोचिए सू मंगन गए मनुख नू कदी सत्कार नहीं मिलता। मंगत मनुख नू कदी मान नहीं मिलता। बाणी में चाकिया लोग तिकार कहे मंगत जाने फैसला बनी बस। लोग तिकार कहे मंगत जाने मांगत मान ना पाया। मंगन वाले नु कदी मान नहीं मिलता। हुण ए एक होर अगली चलाकी ते चला गया। पहले ते इसने मखट्टू रहने लई मैनू खट घाल के कमाई करके ना खाना पवे पहन ना पवे परिवार दीआं जिम्मेवारियां ना संभालनियां पैन। तो भलिया जे तेरे वर्गे ही सारे हो जान संसार हुण तक कदों दा समाप्त हो जांदा। उस मेरे रब दी रचना चलदी किवें रहिंदी उहने चलदी रखण लई ग्रस्ती पैदा कीता है। गुरु आख रहे ने वाहिगुरु तेरी सब रचना ते उस रचना नूं तरतीब दे दित्ती है तां कि रचना चलदी रहे चलती रहे। जे तेरे ख्याल दे सारे हो जाते तो संसार न चल सकता। पर केडी अजीब घटना है। कैसा शार्प दिमाग सी वो मनुख पहला तो मखट्टू रहने लई ग्रस्त त्याग के जंगलों नू चला गया कन विच मुंदरा पा लईयां जोगी बन गया सन्यासी बन गया। हुण सोचिए सू मंग के खाना पैना लोड़ां ते हर मनुख दीआं नाल ने मंग के खाना पैना ते मंगत नू कदी मान नहीं मिलता। मंगत नू मान नहीं मिलता। हुण अगली चलाकी यह कीती कि जिन्हां कोलों मंगता बन के जाके कुछ लैना है खाना है मत किते ऐसा ना होए वो मैनू मान सन्मान नाल ना देखन मंगता समझ के तिरकारा पाउन। उन्हां दे मन विच भरम कर पैदा कर दिता जाए जिन्हां ने घर छड्डिया असल महान हो ने पैदा हो जे सैकड़े डेरे चलते ने ना जे सैकड़े भेख चल रहे हैं उनका कारण है वो भरम पैदा कर दिते। ग्रस्ती दे मन दे च भरम नाल एक कमजोरी पैदा कर दी कि ग्रस्ती गुनाहगार ये महान ये रब नूं मिले हुए ये रब दे नेड़े ने। इसलिए किसे मंगते नू भी मान दिता जाए आए नू मत्थे टेक आया हुंदा मंगण वास्ते लोग नू मत्थे टेकी जांदे आ दरवाजे ते रह जांदे साडे कोल कोई मंगता मंगे असीं किसे नू मान नहीं दिंदे। एक दरवाजे ते गोल पग ते लंबा चोला पा के मंगता आ जाए उस मत्थे टेक बदल गया एक भरम पैदा कर दिता एक भुलेखा पैदा कर दिता। गुरु ने भुलेखा दूर किया कहन लगे ओ भलिया मंगन जेड़ा गुरु पीर सदा के जेड़ा अपने आप नूं साधु अखवा के महापुरश अखवा के रब दा रूप अखवा के ब्रह्म ज्ञानी अखवा के फिर दरवाजे ते मंगन आउंदा उहनूं कदी मत्था ना टेकी। फैसला सी गुर पीर सदा गुर पीर सदा मंगन जाए गुर पीर सदा मंगन जाए ताके मूल ना लगी है पाए। फैसला बन गया गुर पीर सदा मंगन जाए ताके मूल ना लगी है पाए इस भेखे थावो ग्रह भला। लो आ समझ लिया यही गुरु का फैसला। सिख ने क्यों ग्रस्ती पाई ते इस विवाह के दरवाजे विच प्रवेश करके आश्रम विच
ग्रस्त आश्रम विच क्यों पुजना। हुण आपां आउण वाले समय विच ए विचार करनी कि उस आश्रम विच की है, उत्थों जिहड़े भज्जे ने लोग ओह क्यों भज्जे ने, गुरमत की दुनिया विच गुरमत के घेरे विच आके गुरमत की अगवाई विच जदों विवाह आनंद कारज बन जाता है फिर उस ही आश्रम विच उन्हां नूं की मिलता है। आ दो चीज़ां साढ़े सामने, फिर आपां अगे तुरांगे कि आनंद कारज की रस्म किवें है। इहदे एक एक शब्द नाल सानूं उह गुरमती लागे की गल किवें समझाई जाती है, क्योंकि गुरमती लागे नाल ही आनंद कारज बनना है, गुरमती लागे नाल ही ग्रस्त सुखां दा समान बनना है। कुछ लोग वो भी ने जिन्होंने अंदरों दौड़ना शुरू कर दिता सी, उन्होंने विवाह के दरवाजे राही ग्रस्त आश्रम विच प्रवेश करना तो कितने रह गया, दौड़ना शुरू कर दिता सी। पर गुरु कहिंदे ने आ मैं तैनू गुरमत दा पल्ला फड़ा के अंदर ले जाना चाहना, क्योंकि इहो ही संसार जिन्हों तू वेख के भज रहा है, मैं तेनों समझा देना चाहना ये विश संसार तुम जे देख दे, विश संसार तुम जे देख दे, इहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। मैं एक वर्ज की सी, एक ख्याल करो गुरु ख्याल बदलता है, जे अपना पुत्र समझ के पाल रहे हैं तां तू किसे मोह विच है, ते जे उसे ही पुत्र दी प्रतिपालना करन लगे हैं सोच रहे हैं मेरे रब ने मेरे प्रभु ने ये जीव मैनू सेवा लई भेजी है, ये बख्शिश करके ये सेवा बख्शी है, ते मैं ये अपना पुत्र दे मोह विच आके इनू नहीं पाल रहा, मेरे प्रभु वल्लों बख्शी हुई सेवा दा फर्ज ड्यूटी निभा रहा है। ओ पुत्र दी पालना भी एक भगती बन जाएगी, पालना पुत्र दी हो रही होगी, एक पुत्र मोह विच कर रहा है, एक इस ख्याल ते इस प्रभाव हेठ कर रहा है कि मैं पुत्र मोह विच नहीं, माई बाप पुत्र सब हर के किए, माई बाप पुत्र सब हर के किए, सब ना को संबंध हर कर दिए, एक पुत्र समझ के कर रहे है, पुत्र मोह विच एक सेवा कर रहे है, मेरे रब ने बख्शिश करके इस जीव की सेवा मैनू बख्शी, बस बदल गया काम ओ ही हो रहा, बल्कि अगे नालों चंगा होएगा, अगे नालों ज्यादा प्यार नाल होएगा, क्योंकि उनके एक रब की खुशी भी नाल खलो जाएगी। इतने केवल पुत्र मोह विच केवल पुत्र प्रतिपालना की रह जाएगी, उनके एक रब की खुशी भी नाल शुरू हो जाएगी, बस रब की खुशी तो भगती है, जिहड़ी चीज़ रब नूं प्रवान चढ़ जाए जो प्रभु लई कीती जाए उसे दा नाम भगती है, वह पुत्र की सेवा भी जिहड़ी है पुत्र की प्रतिपालना भी जिहड़ी है वह भगती बन जाएगी। गुरु ने आख्या आ मैं तैनू इस ग्रस्त आश्रम विच जिथों लोग भजदे ने जिथों तरांदे ने ते मखट्टू हो के कन्न पड़ाउंदे ने, मैं चाहना मैं तैनू इस विवाह कारज राही आनंद दे उस दरवाजे आश्रम विच लै जाना चाहना, पर ओ तां होना है जे गुरमति लगे। फैसला ए सी गिरही सेवक साध का, एक गिरही सेवक साध का, गुरमति लागे गुरमति लागे, एक गिरही सेवक साधका, एक गिरही सेवक साधका, गुरमति लागे गुरमति लागे, नामदान
इशनान दृण नाम दान इशनान दृण हर भगत सो जागे नाम दान इशनान दृण हर भगत सो जागे हर भगत सो जागे गुरमती लागे गिरही सेवक साधका एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे लागे गुरमती लागे गुरमती लागे क्योंकि मैं चाहता स केवल आनंद कारज की रसम की विचार की बजाय नाल नाल असी ये भी समझिए आखिर वो विवाह आनंद कारज प्रवान क्यों गुरमत की दुनिया में इनका की स्थान है जीवन के इस रस्ते का इनू पछाण लईए साढ़े सारिया के जीवन नाल संबंध रखता है हर सिख के जीवन नाल इंदा इस फंक्शन का एक रिश्ता है सानू पता होवे गौरव होवे कि असी ग्रस्ती हाँ कोई सानू किसी भरम भुलेखे आके अपने दर का मंगता ना बनाई फिरे गुरु बख्शिश करे असी गुरमत विच्चों अपने गुरु वालों बख्शे हुए जीवन म्यार नू समझ सकीए इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चिखां फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।